हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक पुलिस बॉस में। फिर वीडियो लेकर गए। आज का वीडियो दोस्तों इवनिंग पे बना रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग को तो पता ही होगा हमारे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहा है, सभी लोग बीमार है, हमें थोड़ा बीमार है अच्छी तरह से, मतलब क्या ठीक नहीं हुए है, ठीक है। तो उसी वजह से दिन में वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहे है, तो शाम को थोड़ा खाना वगैरह अभी बना रहे है, ठीक है। दोस्तों अभी देखिये पूजा जी पकड़े हुए है एक कट है, ठीक है। दोस्तों कुछ अंडा वगैरह है, तो आज थोड़ा दोस्तों बहुत दिनों के बाद डिनर नहीं किया, ठीक है। तो आज डिनर पे दोस्तों एग करी बनेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो पर अंत तक देखना, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों अंडा वगैरह, ठीक है। चलिए इसको अभी उबालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पूजा जी अंडा और आलू को काट के रखे हुए है, ठीक है। इसको अभी उबालेंगे, चलिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे भांजा खेल रहा है, ठीक है, घर लोगों के साथ। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पूजा जी चावल छान रहे हैं। आज पूरा कैसे बनेगा एग और अंडा का करी, उठ अंडा और आलू का करी पूरा गावली स्टाइल में बनेगा या क्या, देहाती देहाती स्टाइल में। हाँ चलो बनाते हैं, ठीक है। देहाती मतलब के जैसे बनाते हैं सब वैसे ही बनाएंगे, जैसे देहाती वाले नहीं है। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अंडा उबलना शुरू हो गया, ठीक है। देखेंगे थोड़ा, वाओ दोस्तों पूजा जी मसाला को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं लहसुन, लहसुन दोस्तों बहुत ही महंगा हो गया है। हमारे यहाँ तो 100 ग्राम का 40 रुपए पड़ रहा है, मतलब इतना महंगा ही कभी नहीं देखा था। देख सकते हैं दोस्तों लहसुन, मतलब जमाना था 20 रुपए का 1 केजी मिलता था, अब मतलब 100 ग्राम पे 40 रुपए ले रहा है, मतलब कितना महंगा ही बढ़ चुका है। तो देख सकते हैं पूजा जी मसाला को पीसने वाली है, पत्थर को धो रहे हैं। क्या बटा हुआ मसाला रहेगा? हाँ, इसमें दोस्तों लिए है मिर्ची तीन लिए हैं, अदरक लहसुन और गोटा जीरा, ठीक है। आज सब जीरा नहीं। तो मसाला बढ़िया तरह से पीस लिया है पूजा जी, अभी कुछ कुकिंग करेंगे, चलिए। और अंडा भी दोस्तों बढ़िया तरह से उबल चुका है, ठीक है। अब छिलके बारे करने वाले पूजा जी। दोस्तों अंडा और आलू टमाटर को भी रेडी कर दिए हैं पूजा जी, अभी इस पर थोड़ा कट वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि वरना ये फट जाएगा तेल की तरह, फ्राई नहीं होगा, ठीक है। हाँ फिर भी थोड़ा बता रहे हैं। और अब दोस्तों कुकिंग शुरू होगा, ठीक है। तेल को डाल दिया दोस्तों, अब दोस्तों इस पे नमक ऐड कर रहे हैं। दोस्तों हल्दी, ठीक है, अच्छी तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं प्याज वगैरह हरी मिर्ची टमाटर वगैरह कटिंग कर लिए हैं। अब दोस्तों अंडा बन गया, फ्राई हो गया अच्छी तरह से, इसको निकाल रहे हैं। ये रहा दोस्तों, देखिए कितना बड़ा सरस अंडा फ्राई हो चुका है। और थोड़ा दोस्तों तेल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। प्याज हरी मिर्ची वगैरह डाल दिए,
और ये है पिसा हुआ मसाला। टमाटो को भी डाल दिए है, टमाटो थोड़ा कम हो गया, थोड़ा नमक टमाटो के लिए या पूरे करेंगे। थोड़ा ढक्कन लगा देंगे टमाटो को गलने देते, ठीक है। ये हल्दी पाउडर और तो ये कश्मीरी मिर्च, ठीक है, और कुछ नहीं दे रहे। थोड़ा ऊपर से ये गरम मसाला का पाउडर, ये जो हम हाथ से बनाए, हाथ से बनाते वो। और दोस्तों आलू रोंडा को भी दे दिए हैं। ये थोड़ा गरम मसाला, ठीक है, वो रुचि का मतलब छोटा पैकेट मिलता है। थोड़ा ढक्कन लगा देंगे और तो पानी डालेंगे, ठीक है, ग्रेवी के लिए। तो ढक्का में देंगे, ठीक है, वेट करते हैं, बन जाएगा। हमारा अभी थोड़ा चिकन मसाला दे रहे हैं पूजा जी लास्ट पर। तो ये रहा दोस्तों डिनर, ठीक है, आज का स्पेशल अंडा करी और ये चावल। तो चलिए दोस्तों खाते हैं, तो चलिए दोस्तों खाना को शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, बढ़िया तरह से अभी हम डिनर वगैरह कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या बताऊं दोस्तों, डिनर करते वक्त दोस्तों जो फुटेज लिया था उसमें थोड़ा ब्लर हो गया, ठीक है, पता नहीं चला खाने मतलब खाना खाने के बाद देख रहा हूँ कि वीडियो ब्लर हुआ है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा उसको एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। पूजा जी का एक कर आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये क्या कहती हूँ, तो चले दोस्तों कल फिर ऐसे ही शानदार से रिसीव वगैरह लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप लोग बैठ गए, ठीक है। तो चले दोस्तों रहते हैं, सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, गुड नाइट और जोहर। तो चले दोस्तों रहते हैं, बाय बाय और टेक केयर, चले रहते हैं।